अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रानित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉम कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं आप लोगों के सबसे ज्यादा चहीते गाने के रिक्वेस्ट पर, और ये है आदत इंस्ट्रूमेंटल और भांवरे फीट गोहर मुमताज, जो कि नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 का गाना है और ये काफ़ी हिट हो चुका है। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्ट करने को कहा था, इसलिए मैं इस पर रिएक्ट करने वाला हूँ। सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग, तो इसमें कोई अल्फाज नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट वी विल गेट टू हियर अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि नेस्कैफे बेसमेंट की खासियत है। एंड आई लव दिस मोर देन एनीवन एनीथिंग एल्स, बिकॉज आदत, आई थिंक दिस इज द सॉन्ग आदत सॉन्ग बाय आतिफ असलम, विच इज लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग। सो आई एम डन फॉर इट, आई एम अप फॉर इट। लेट्स रिएक्ट टू दिस इन 3, 2, 1 एंड गो। नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 जाने तो पड़ेगा। क्या शुरुआत है। Yes, this is the song. I'm getting goosebumps. Woo! What is this instrument called? नीचे बताइए please comments में। It's beautiful. Oh,
खींची तुझसे किस्मत की लकीर, हाथों में दिखता था वो प्यार, तेरी ही आदत कुछ पड़ सी गई, चाहत का ऐसा था खुमार, नींद न आए रातों में क्यों, बिछड़े लम्हों को लौटा दे तू। हर जगह है जल, 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 हर मेरे पास अल्फाज नहीं है एक्चुअली ये बताने को कि एक्चुअली मैंने कैसा फील किया इस गाने के बारे में। शुरुआत जब वो इस गाने की, आई कुडंट कीप माई आईज ओपन। अगर आपने देखा होगा कि मैं बीच में ही आँख बंद कर रहा था, मैंने आधे से ज़्यादा गाने पे मैंने शायद आँख बंद करके रखे थे, क्योंकि ये जो गाना है ना, इसे आपको देखने की नहीं सुनने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। और आंखें बंद करने के बाद जो यू नो यू ऑलवेज इमेजिन, एक छवि आपके आंखों के सामने आ जाती है, एक तस्वीर आ जाती है जिसको आप ना चाहते हुए भी इमेजिन करोगे, और हर एक बंदे का हर एक इंटरप्रिटेशन होता है एक गाने के दौरान। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल गाना है ना जो आपके अंदर की वो चाहत को, जो सबसे करीबी चीज़ है, जो आपको सबसे स्पेशल नीडेड केयर्ड फील करवाता है, उस चीज़ को आपके आंखों के सामने दिखाएगा। एंड व्हेन आई क्लोज माई आईज आई कुड सी दैट। आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट, बट इट वाज द लव ऑफ माय लाइफ। आई कुड सी द पर्सन हु केयर्स फॉर मी द मोस्ट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन आएगा कि जब ऐसा कोई इंसान मुझे मिलेगा जो कि मुझे इतना केयर्ड, इतना स्पेशल और इतना इम्पोर्टेंट फील करवाएगा। और इस गाने के थ्रू दैट बिकेम मच मोर क्लियर टू मी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई
could see him in my eyes and I could feel his presence. I could feel the kind of love he showers on me. और वो सब एकदम बिखर के बाहर आ गया and you saw me like getting teared up. So yeah, this song did a lot of things inside my heart और it made me feel a lot of things. And then when Goher Mumtaz started singing, I didn't even realize क्योंकि आंखें मेरी बंद थी, मैंने सुना भी नहीं. अचानक से I could hear some words and oh my god, I was already in tears. और उनके बाद जो अल्फाज हैं ना उस गाने की, It was haunting, it was goosebump inducing and everything that I can say about the song. Definitely the best song I've ever heard. मैंने कहा ना, जब भी कोई instrument की ताकत को पेश करते हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत और चीज़ हो नहीं सकता, क्योंकि आप जिस तरीके से एक instrument की आवाज़ को feel कर सकते हैं, और यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तरह तरह के instrument थे, जो कि एक ही गाने को differently हमारे सामने पेश किया जिसने, और इतनी बखूबी से, इतनी खूबसूरती से कि आप बह जाओगे, आप खो जाओगे इस गाने में. मैं पूरा खो गया. मुझे पता नहीं मैंने क्या रिएक्शन दिया, लेकिन अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, नीचे कमेंट डालना मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ, आपने अपने आँखों के सामने क्या तस्वीर देखी जब आपने इसे आँख बंद करके सुना. अगर नहीं सुना तो प्लीज़ आँखें बंद करके इसे एक बार सुनिए. मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ कि आप कुछ ना कुछ फील करेंगे, महसूस करेंगे, और योर फीलिंग्स एंड इमोशंस विल बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर दैन दे वर बिफोर, दैट्स फॉर श्योर. सो गाइस, प्यार करते रहिए, ढेर सारा प्यार बांटते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को मत दबाना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पोस्ट करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहिए. नीचे कमेंट डालिए, और सबसे ज़्यादा लाइक मिलने वाले कमेंट पे मैं अगले हफ्ते रिएक्ट करूँगा, भूलिएगा मत. तब तक के लिए चाओ.